इसमें सबके लुटाकर देख लेता हूँ, खुशी को बीच में सबके लुटाकर देख लेता हूँ, जो है दुख पास में उनको छिपाकर देख लेता हूँ, खुशी को बीच में सबके लुटाकर देख लेता हूँ, जो है दुख पास में उनको छिपाकर देख लेता हूँ, तुम्हारे प्यार के इजहार से जो खुश हुआ है दिल, तुम्हारे प्यार के इजहार से जो खुश हुआ है दिल, उसे मैं फूल के जैसा खिलाकर देख लेता हूँ, उसे मैं फूल के जैसा खिलाकर देख लेता हूँ, दुखों को दूर करके दिन कभी तो आएंगे बेहतर, यानी साथियों दुखों को दूर करके दिन कभी तो आएंगे बेहतर, मैं सपने सोचिए अच्छे सजाकर देख लेता हूँ, मैं सपने सोचिए अच्छे सजाकर देख लेता हूँ, समझ करके मुझे दुश्मन लड़ाई चाहता है जो, समझ करके मुझे दुश्मन लड़ाई चाहता है जो, उसी को दोस्त मैं अपना बनाकर देख लेता हूँ, उसी को दोस्त मैं अपना बनाकर देख लेता हूँ, पूरा मुसीबत में पराए हो गए हैं लोग सब अपने, मैं परिवार पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ, मुसीबत में पराए हो गए हैं लोग सब अपने, पुराने दोस्तों को आजमा कर देख लेता हूँ, पुराने दोस्तों को आजमा कर देख लेता हूँ, बुराई को जहाँ पर पाल कर बैठे हैं लोग, बुराई को जहाँ पर पाल कर बैठे हैं लोग, वहाँ पर नेकियाँ थोड़ी कमा कर देख लेता हूँ, वहाँ पर नेकियाँ थोड़ी कमा कर देख लेता हूँ, और अंतिम पंक्त है, जवाने ने जिसे नागेश हमेशा दुख दिया, जवाने ने जिसे नागेश हमेशा दुख हो पहुँचाए, जरा सा सुख उसे भी देकर जरा मैं देख लेता हूँ, जरा सा दुख उसे भी जरा मैं देख लेता हूँ। इन पंक्तियों के साथ मैं पूरा आमंत्रित करूंगा श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो सहारनपुर से हमारे बीच आए हैं, आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार जी। नमस्कार, नागेश जी आपका कर रहे हैं, और मैं विष्णु सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी आवाज आ रही है, और नारायण यादव जी का जी नारायण यादव जी का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है जीवन में, और बहुत आगे हम लोगों को बढ़ाने में बहुत उनकी इच्छा भी है और आतुरता भी है, और मुकेश क्या नाम है मनोज भाई को भी ये पर्वत चढ़ सकता, मैं बहुत आभारी हूँ और इस चीज का भी आभारी हूँ कि ये सब यहाँ पे इसका जो है विमोचन हुआ है, और ऐसे हम लोग पर्वत चढ़ते रहे और आप लोग चढ़ाते रहे ऐसे उत्साहवर्धन के लिए, तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, स्वागत गजल है मतलब पेश कर रहा हूँ, ये मुझमें ताकत कहाँ से आई, ये मुझमें ताकत कहाँ से आई, सब भीतर थी बस वहां से आई, वाह बहुत बढ़िया, ये मुझमें ताकत कहाँ से आई, और बिना रोशनदान के घर में, और बिना रोशनदान के घर में ये जिद्दी धूप कहां से आई, ये जिद्दी धूप कहां से आई, ये मुझमें ताकत कहां से आई, सब भीतर थी बस वहां से आई, वाह यूं तो साफ सुथरा आसमान था, यूं तो साफ सुथरा आसमान था, किंतु फूल पर बूंद कहां से आई, किंतु फूल पर बूंद कहां से आई, ये मुझमें ताकत कहां से आई, सब भीतर थी बस वहां से आई, गरीब घास फूस का छप्पर था, गरीब घास फूस का छप्पर था, हकीकत में आग कहां से आई, हकीकत में आग वहां से आई, ये मुझमें ताकत कहां से आई, सब भीतर भी बस वहां से आई, दूर तरक फैले रेगिस्तान में, दूर तरक फैले रेगिस्तान में, तिनका तिनका घास कहां से आई, ये मुझमें ताकत कहां से आई, सब भीतर भी बस वहां से आई, देखो तलाश करो फूलों पर,
देखो तलाश करो फूलों पर मीठी मीठी बास कहां से आई, ये मुझ में ताकत कहां से आई, सब भीतर थी बस वहां से आई। अभी कई घंटा बाकी था सूरज, अभी कई घंटा बाकी था सूरज, मुझे बता रहा कहां से आई, ये मुझ में ताकत कहां से आई, सब भीतर थी बस वहां से। एक कविता पढ़ रहा कुछ पेड़ कुछ ठीक है स्वागत है चलो कर गजल सुना रहा हूं ठीक। भरम से निकल रहा हूं धीरे धीरे, भरम से निकल रहा हूं धीरे धीरे, जिंदगी में ढल रहा हूं धीरे धीरे, भरम से निकल रहा हूँ धीरे धीरे, जिंदगी में ढल रहा हूँ धीरे धीरे, कानों से देखता आंखों से सुनता हूँ, कानों से देखता आंखों से सुनता हूँ, वाह दुनिया साथ चल रहा हूँ धीरे धीरे, दुनिया साथ चल रहा हूँ धीरे धीरे। वो गलती से कोई चीज उठाकर दे दी, गलती से कोई चीज उठाकर दे दी और अब हाथ मल रहा हूँ धीरे धीरे, वाह भाई वाह वाह, और अब हाथ मल रहा हूँ धीरे धीरे। सड़क अनजान थी ब्रेकर थे बहुत, सड़क अनजान थी ब्रेकर थे बहुत, अब गिरकर संभल रहा हूँ धीरे धीरे, अब गिरकर संभल रहा हूँ धीरे धीरे। देख लो बिना माचिस के बिना तेल के, देख लो बिना माचिस के बिना तेल के, भीतर आग से जल रहा हूँ धीरे धीरे, भीतर आग से जल रहा हूँ धीरे धीरे, भरम से निकल रहा हूँ धीरे धीरे, जिंदगी में ढल रहा हूँ धीरे धीरे। वाह क्या बात है, हमारे श्री सुरेंद्र कुमार जी क्लास 5 की डिग्री प्राप्त की है, उच्चतर कक्षा रही है आपकी 5वीं, उसके पश्चात देखिए बात कह रहे हैं धीरे धीरे। स्वागत है सर, स्वागत। एक गजल और सुना, हाँ हाँ स्वागत, मतलब पेश कर रहा हूँ। सूरज से उधार लिया पूरा दिन, वाह सूरज से उधार लिया पूरा दिन, आंखों में उतार लिया पूरा दिन, वाह आंखों में उतार लिया पूरा दिन, इधर उधर बिखरी याद को संजोकर, इधर उधर बिखरी याद को संजोकर, कुछ इस तरह सवार लिया पूरा दिन, कुछ इस तरह सवार लिया पूरा दिन, धूल से मैल से बिखरे कबाड़ से, धूल से मैल से बिखरे कबाड़ से, झाड़ू से बुहार लिया पूरा दिन, झाड़ू से बुहार लिया पूरा दिन, सूरज से उधार लिया पूरा दिन, आंखों में उतार लिया पूरा दिन, उम्मीद की लकड़ी चूल्हे में जलाकर, उम्मीद की लकड़ी चूल्हे में जलाकर, सोने सा निथार लिया पूरा दिन, निथार लिया पूरा दिन, कुछ अच्छा कर लेंगे शायद इसलिए, कुछ अच्छा कर लेंगे शायद इसलिए, हर झगड़े से उबार लिया पूरा दिन, क्या बात है, हर झगड़े से उबार लिया पूरा दिन, पूरा दिन। एक कविता सुना आपसे, सबकी जुबान पर दया के हया के मोह के स्वार्थ के माया के शब्द बड़बड़ा रहे थे, क्या बात, सबकी जबान पर दया के हया के मोह के स्वार्थ के माया के शब्द बड़बड़ा रहे थे, मैंने मजबूर को देखा कंधे पर उठाया और संकट का पुल पार करवा दिया, बहुत बस इतनी कविता, बहुत 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 धन्यवाद श्री कुमार जी। हमारे दिव्यांग कवियों के एक एक शब्दों में उनके बहुत बड़े अनुभव छुपे होते हैं मित्रों, इन
कवियों को सुनते समय केवल उस रसदार कविता को सुनने की आशा न रखी जाए, समझ और समझ के उन पायदानों को भी समझने की तरफ बढ़ा जाए। कह क्या रहे, एक बड़ी प्रमाणिक बात कही जाती है पूर्वांचल की, बड़ी सुनिश्चित कहावत में है कि जाके पैर न फटी बेवाई, ऊ का जाने पीर पराई। जिनको आप अनबोला कह के छोड़ आए थे, आज श्री नारायण हरिद्वार में उनसे गर्जवा रहे हैं। मामूली बात है, उत्साह वर्धन करिए। आदरणीय विष्णुकांत मिश्र जी ने पहले ही कह दिया है कि सूक्ष्म कुर्सी और उसमें भी खाली, इस पे भी न बजे ताली। ऐसा जुम्मन हाय, ऐसा जुम्मन हो, कृपया हमारे कवियों का उत्साह वर्धन करते रहे। आपके ही भरोसे आज की हमारी मैया है, खेवनहार आप ही लोग हैं, बढ़ाते चले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार जी, सहारनपुर की धरती से आप हमारे बीच रहे। कहना चाहूंगा, नफरत हटा के प्यार बढ़ाने लगे हैं लोग। ये उदाहरण है जिस कार्यक्रम में हम आप हैं। नफरत हटा के प्यार बढ़ाने लगे हैं लोग, आपस का बैर भाव मिटाने लगे हैं लोग, आपस का बैर भाव मिटाने लगे हैं लोग। वादे किए जो उनको निभाने की बात पर, वादे किए जो उनको निभाने की बात पर, सपने कई हसीन सजाने लगे हैं लोग, सपने कई हसीन सजाने लगे हैं लोग। सुख की जरा सी आस बधाई, सुख की जरा सी आस बधाई जो आपने आमंत्रण पाकर, सुख की जरा सी आस बधाई जो आपने, अपने दुखों का हाल बताने लगे हैं लोग, अपने दुखों का हाल बताने लगे हैं लोग। खुशियों में आपने जरा शामिल उन्हें किया, खुशियों में जरा आपने शामिल उन्हें किया, आंखों में अस्त अपने, आंखों में अस्त अपने छिपाने लगे हैं लोग, आंखों में अस्त अपने। इस ठंड में सामान्य मैदानी भागों में जाने के लिए, शादियों में जाने के लिए लोग 36 बहाने कर रहे हैं, और हरिद्वार की धरती पर जबकि ठंड बढ़ रही है, दिव्यांग सुबह सुबह जब 3 बजे 4 बजे 12 बजे 1 बजे रेल से उतरे होंगे, तो उनके शरीर में वह गर्मी थी कि हमें कार्यक्रम में पहुंचना है, आह्लादित होना है। यह एक उष्मा मिलती है कि समाज जब स्वीकारता है, समाज जब गले लगाता है, तो सक्षमता की ओर कैसे सशक्तिकरण होता है, इसका उदाहरण है। इस पे हुआ कि गुलजार हुआ बाग आई बहार जब, गुलजार हुआ बाग आई बहार जब, खुशियों गुलों को देख जताने लगे हैं लोग। गर्दिश के वक्त साथ में कोई नहीं रहा, गर्दिश के वक्त साथ में कोई नहीं रहा, एहसान मेरे सारे भुलाने लगे हैं लोग। नागेश जरा लोभ का ऐसा हुआ सर फायदे वाला, नागेश जरा लोभ का ऐसा हुआ सर, ईमान देखो अपना गंवाने लगे हैं लोग, ईमान देखो अपना गंवाने लगे हैं लोग। इसी कड़ी में अगला आमंत्रित करूंगा श्री अशोक कुमार जी, शाहजहांपुर की धरती से हमारे बीच पधारे परम आदरणीय श्री अशोक कुमार जी। हाँ 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 सब ठीक जी, अशोक सर स्वागत। आदरणीय सम्मानित मंच और उपस्थित हमारे सुनील श्रोतागण, आज के इस कार्यक्रम की बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं श्री नारायण यादव जी को देना चाहूंगा लाखा, उन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया यहाँ तक आने का, तो मैं बहुत बहुत ही आनंदित हूँ। और एक रचना है हमारी, बेबस कर देती है मुझे मेरे गांव की थाली, वाह, जो हम लोग गांव में पहले खाना खाते थे। बेबस कर देती है मुझे मेरे गांव की थाली, उस पर भी माँ को हैरत क्यों इतनी जल्दी खाती, वाह, उस पर भी माँ को हैरत क्यों इतनी जल्दी खाली, वो खालिस घी छाछ दही महियर सोनी सी, वो खालिस घी छाछ दही महियर सोनी सी, क्या तुम्हें याद है मथनी हांडी आग उपलो वाली। आजकल जो है ये वर्तमान लोगों को, बच्चों को नहीं ये चीजें मालूम है, तो उनकी याद मैं कर रहा हूं।
वो खालिश ही इच्छा तेरी मैयर सोती सी, क्या तुम्हें याद है मतनी हाडी और आग उपरों वाली, शहर अब दाल से पॉलिश अनपॉलिश खेले, शहर अब दाल से पॉलिश अनपॉलिश खेले, आह क्या दाल थी चना उड़द मिक्स घी डाली, बेबस कर देती है मुझे मेरे गांव की थाली, चूल्हा धुआं धुआं सा, चूल्हा धुआं धुआं सा, अम्मा का वो आंखें मलना, फिर फूकनी लेके फूकना लोहे वाली, बेबस कर देती है मुझे मेरे गांव की थाली। वाह बहुत, याद है गांव की चक्की का वो सुर में छुप छुप करना, याद है गांव की चक्की का वो सुर में छुप छुप करना, घर में भी होती थी चकिया मौसम गाली पत्थर वाली, आग हर शाम सुबह मांग ले जाती थी चाची, आग हर शाम सुबह मांग ले जाती थी चाची, 10 नए पैसे की माचिस जब पाती थी खाली, बेबस कर देती है मुझे मेरे गांव की थाली, आज हम ढूंढते मशरूम मटर फ्रोजन को, आज हम ढूंढते मशरूम मटर फ्रोजन को, इसी मुंह ने मकोए संतूर पाखड़ की कलियां खा ली, बेबस कर देती है मुझे मेरे गांव की थाली। धन्यवाद। जब मुझे पुलिस स्टाफ लगाना हो तो बता दीजिएगा। नहीं सर, क्या है अभी आप आ रहे हैं। दिव्यांगजनों के राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुछ अधिकार घोषित किए गए हैं, उनको इस कविता में समाहित किया गया। भारत माँ के लाल सभी हो हक अपने पहचानो तुम, भारत माँ के लाल सभी हो हक अपने पहचानो तुम, थाल सजाकर कोई देगा ऐसा भी मत मानो तुम, हो निषेध हर भेदभाव का ये अधिकार तुम्हारा है, वो निषेध हर भेदभाव का ये अधिकार तुम्हारा है, सहनशीलता का भी अपनी सुन लो एक किनारा है, उसकी एक सीमा है, सहनशीलता का भी अपनी सुन लो एक किनारा है, मिले मान सम्मान बराबर रोजी रोटी भी सबको, मिले मान सम्मान बराबर रोजी रोटी भी सबको, सांस्कृतिक अब कैनवास में दस्तक देनी है तुमको, काम मिले खाली हाथों को हक में यही तुम्हारे हैं, गरिमा में जीवन यापन के अपने सबसे सारे हैं, जन्मे हो स्वतंत्रता लेकर सम अधिकार तुम्हारे हैं, हम सबके बराबर अधिकार है, जन्मे हो स्वतंत्रता लेकर सब अधिकार तुम्हारे हैं, कर सकते अभिव्यक्ति विचारों की जो मन में धारे हैं, बाधा रहित हो आना जाना सरकारी यह भी जाने, बाधा रहित हो आना जाना सरकारी यह भी जाने, भवनों के निर्माण सुरक्षित यातायात में सब जाने, भौतिक वातावरण सुगम हो स्वतंत्र जीवन के हित में, रोजगार और शिक्षा के भी अवसर हो अब जनहित में, आवासीय योजना में भी भागीदारी हो सबकी, उत्पीड़न शोषण विरुद्ध आवाज उठाओ मेरे अपनी। बहुत बढ़िया। ये हमारे अधिकार थे और हमारे दिव्यांगजन कहाँ तक पहुंच रहे हैं, फतेह कर चुके एवरेस्ट के आत्मशक्ति के बल से, फतेह कर चुके एवरेस्ट के आत्मशक्ति के बल से, बढ़ते हैं दिव्यांग स्वयं संघर्षमयी सब बल से, हर बाधा को पार करेंगे गिर गिर उठ उठ चल के, मंजिल पाने में कितना भी स्वेद बहे या छलके, हर बाधा को पार करेंगे गिर गिर उठ उठ चल के, मंजिल पाने में कितना भी स्वेद बहे या छलके, बाधा रहित सभी जन सुविधा खड़ी हुई हो बन के, यह इनका अधिकार है,
इसको ये ले लेंगे तन के बाधा रहित सभी गंतव्यों को कर दो तुम चुन के दिव्यांगों की करुण कहानी थके नहीं तुम सुन के दिव्यांगों की करुण कहानी थके नहीं तुम सुन सरकारों से कह रहा है बाधा रहित सभी गंतव्यों को कर दो तुम चुन के दिव्यांगों की करुण कहानी थके नहीं तुम सुन के मत वोट मत विकलांग नहीं होता लाता सरकारें चुन के वोट तो हमारा विकलांग नहीं होता मत विकलांग नहीं होता लाता सरकारें चुन के दिव्यांग मतदान है करता कुछ सपनों को बुन के सबसे समाज वही होता अनसुना न करता सुन के संवेदी सरकारें ही अंत्योदय करती गुन के है अटूट जिजीविषा इनकी रहेंगे आगे बढ़ के अगर मिले पथ बिन बाधा के दिखलाएंगे पढ़ के उत्पादकता बढ़ जाएगी आवागमन सुगम से सामाजिक भागीदारी में ये भी रहे सुलभ से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मैं ले लिया हूँ माइक मैं संचालक महोदय से क्षमा चाहूंगा मैं अशोक जी के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा अशोक जी संप्रति कस्टम विभाग में चीफ अकाउंट ऑफिसर ट्रांसफर पोस्ट पे तैनात है और इनकी कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन बीच में मैं नहीं व्यवधान इंटरप्ट करूंगा इन्होंने रेलवे स्टेशन पे रह के पढ़ाई की है वाह ये आप लोगों के मतलब माता जी ने तालियां बजा कर और ये मंचों पे कविता करने नहीं जाते आप कदाचित इस बात के सोच रहे होंगे कि कविता करने में ये जो कविताई का गुण है उसको इन्होंने कोई दिखा दुखा के नहीं बिल्कुल सीधे सीधे पढ़ दिया इनकी कविताएं मैंने बहुत पढ़ी बहुत सुनी तो कदाचित एक दूसरा मंच है जो मैंने अपने रिस्क पे इनको बुलाया बड़ा रिक्वेस्ट करके बड़े खुशामद करके श्री नारायण यादव जी का आदेश था कि कविताएं आपको कराना है अब उनका आदेश तो जानते हो पूरा ईश्वर का आदेश है पूरा हमारे तो फिर अब इनको मोबाइल का व्यूज बड़ा अच्छा आया तो मैं इस विषय में थोड़ा सा बता दिया कि मतलब अशोक जी एक बहुत बड़े अच्छे लेखक हैं बहुत कुछ लिखते हैं बड़ा प्रकाशित होता है और अपने विभाग में बहुत ही सख्त अफसरों में गिने जाते हैं तो बस इसी के साथ आगे बहुत बहुत धन्यवाद भौजी मैं बताना चाहूंगा एक बार का एक घटनाक्रम होता है कि एक व्यक्ति किसी एक धन से समृद्ध प्राणी के घर पहुंच जाता है और प्यास से व्याकुल वह व्यक्ति कहता है कि सज्जन आपके बगल में जल रखा है अगर थोड़ी देर के लिए आप उठकर हमें पिला देते तो बड़ी कृपा होती मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूं महोदय बहुत तिलमिलाते हैं गुस्सा करके बताते हैं उसे कि तुम्हें क्या मैं आदमी दिखता हूं तुम्हें मैं आदमी दिखता हूं मैं एक बड़ा आदमी हूं सेठ हूं धनाढ्य हूं और धन संपन्न हूं आने दो मेरे किसी आदमी को अभी जल पिलवाता हूं कुछ क्षण बीता पुनः उस बात पर पेड़ लगाई कि थोड़ी देर बीत चुका है पहर बीत चुका है आप एक बार उठिए और मुझे जल पिला दीजिए बार बार के कहने पर फिर वही उत्तर आता है कि क्या मैं तुम्हें आदमी दिखता हूं आने दो किसी आदमी को चेरी को किसी सेवक को मैं तुम्हें जल पिलवा देता हूं वह व्यक्ति जब भर जाता है तब वो हम सबकी आवाज बनकर के एक बात कहता है भैया श्री नारायण के शब्दों में कि हे सेठ कुछ देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ तो कोई हर्ज है कुछ देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है हमारे परिवार के लोग बार बार सेवा करते हुए और बार बार समाज के लोग हम लोगों की मदद करते हुए कई शिकायतें करते हैं बार बार कई शिकायतें करते हैं कि कहां तुम्हारे साथ तक चले हमें टाइम नहीं है ये नहीं है वो नहीं है उस पर पंक्तियां कुछ आती हैं ध्यान में कि रूठूंगा मैं तुमसे और रूठूंगा मैं तुमसे एक दिन इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो तीन तीन लोग बैठे हैं एक एक सोफे पर वो दो दो हो जाए तो हमें लगता है बिस्तर कम करेंगे रूठूंगा मैं तुमसे एक दिन इस बात पर जब रूठा था मैं तो मनाया क्यों नहीं रूठूंगा जरा उस भाव को समझिए जो पीछे से कहा जाता है रूठूंगा मैं तुमसे एक दिन इस बात पे जब रूठा था तो मैं मनाया क्यों नहीं कहते थे तुम तो करते हो मुझसे प्यार
कहते थे तुम तो मुझसे करते हो प्यार, जो दिखाया मैंने नखरा तो उठाया क्यों नहीं, जो दिखाया मैंने नखरा तो उठाया क्यों नहीं। मुंह फेर कर जब खड़ा था मैं वहां, मुंह फेर कर जब खड़ा था मैं वहां, बुलाकर पास सीने से अपने लगाया क्यों नहीं। पकड़कर मेरे हाथ, पकड़कर तेरे हाथ पूछूंगा मैं तुमसे, पकड़कर तेरे हाथ पूछूंगा मैं तुमसे, अपना हक मुझ पर तुमने जताया क्यों नहीं। इस धागे का एक सिरा तुम्हारे पास भी तो था, हमें ही दिव्यांग कह के कैसे बन लेते हो जी, जबकि प्रमाणित है कि दिव्यांगता बच्चे में आती है माँ बाप के कारणों से, जन्म के पूर्व के कारण माँ बाप पर आरोपित होते हैं। तो उस बात पर एक पंक्तियां लिखने का विचार करता है कि इस धागे का एक सिरा तुम्हारे पास भी तो था, उलझा था अगर मैं तो सुलझाया क्यों नहीं, उलझा था अगर मैं तो सुलझाया क्यों नहीं। इसी बात में इसी पंक्ति के आगे मैं आमंत्रित करूंगा श्री जगन्नाथ चक्रवर्ती जी, जो पीलीभीत से हमारे